1920 के दशक में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम चंद्रपुर था। उस गांव में एक ऐसी सड़क थी जहां सभी लोग रात के समय जाने पर डरते थे। इसे शैतानी सड़क कहा जाता था क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती थी जिसे कोई समझ नहीं सकता था। एक रात गांव का युवक विक्रम उसके दोस्तों के साथ नई सड़क की ओर बढ़ता है। चांदनी रात और चिकती हवा ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। सड़क पर चलते हुए उन्होंने एक भूतिया आवाज़ सुनी, रुको। यह भूत की आवाज़ थी और सब ठहर गए। विक्रम ने अपने दोस्तों को देखा और मुस्कुराया। यह सब बकवास है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु तभी उन्हें एक और आवाज़ सुनाई दी, तुम सबको यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ कुछ बुरा होता है। विक्रम की हंसी थम गई और वह अपने दोस्तों के साथ वापस घर की ओर बढ़ा। अगली रात विक्रम ने फिर से अपने दोस्तों को बुलाया और नई सड़क की ओर बढ़ा। वे सड़क पर चलते हुए एक गुमनाम और भूतिया मकान देखते हैं। सड़क के किनारे पड़े पुराने पेड़ की छाया ने उनकी सोच को और भी डरावना बना दिया। अचानक मकान से एक भूत निकला और बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, ये जगह भूतिया है। विक्रम ने फिर से मुस्कुराया और कहा, तुम भी कोई बड़े नहीं हो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। भूत ने चिढ़कर कहा, ठीक है, तुम मना करते हो तो हम तुम्हें दिखा देंगे कि यहाँ सचमुच भूतिया कुछ हैं। उसके बाद सड़क पर एक भूतिया दृश्य शुरू हुआ। अंधेरी रात में काले आसमान में डरावनी हवा उड़ रही थी और सड़क पर अजीब अजीब आवाज़ें हो रही थी। विक्रम और उसके दोस्त डर के कांप रहे थे, परंतु वे दिखाना नहीं चाहते थे कि वे डर से हार मान गए हैं। भूत ने विक्रम के पास आकर कहा, तुमने जो देखा है वह सच है, यहाँ सड़क भूतों की है और यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए। विक्रम का डरा हुआ चेहरा, उसकी आंखों में आंसू थे, उसने सबसे डरावनी चीज देखी थी और वह अब यह स्वीकार कर रहा था। भूतों ने उन्हें सड़क के किनारे छोड़ दिया, परंतु विक्रम ने उनसे एक बड़ी मांग की, कृपया मुझे गाँव वापस ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। भूतों ने उनकी बात मान ली और उसे गाँव वापस भेज दिया। जब विक्रम गांव पहुंचा, वह अपने दोस्तों के साथ गांव वालों को डर की बातें सुनाता रहा, परंतु कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। विक्रम की कहानी ने गांव के आंगन में से गुजरने वाली सड़क के बारे में सच्चाई साबित कर दी थी, लेकिन इस अनदेखी सड़क का राज अब तक किसी के सामने नहीं आया था। जब से विक्रम वापस आया, कोई भी उस सड़क पर कदम नहीं रखने को तैयार था, क्योंकि भूतों की डरावनी आवाज़ अब भी उस सड़क पर सुनी जाती थी। गांव के बच्चे अब भी रात के समय दिलचस्पी से बातें सुनने के लिए वहां जाते थे, लेकिन उन्हें यह ध्यान नहीं जाता था कि वे उस सड़क के पास नहीं जा सकते थे। गांव वालों ने समझा कि विक्रम ने कुछ दिनों की बेहद अजीब और डरावनी यात्रा की है और इससे सबको एक सीख मिली, जो दिखता है वह सच नहीं होता और जो सुनता है वह भी सच नहीं होता। गाँव में एक अजीब माहौल बन गया था और लोग रात के समय सोने से पहले अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते थे। लोग इस भूतिया सड़क को एक रहस्यमय और खौफनाक स्थान मानने लगे थे। विक्रम ने बच्चों को डरावनी चीज़ों के बारे में बताना बंद कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में उस भूतिया सड़क के दृश्य की छवि हमेशा बनी रही। गाँव के लोगों ने भी उसकी कहानी को सीरियसली लेने लगे थे और उन्होंने इसे एक पुरानी कहानी के रूप में मान लिया था। गांव वालों के बीच में यह एक नया धार्मिक आदान प्रदान बन गया था, जिसमें उन्होंने उस भूतिया सड़क को एक आभूषण मान लिया और उसे न छूने वाला स्थान मान लिया। वे मानते थे कि उस सड़क पर कोई भी चलना नहीं चाहिए और वहां पूजा हवन करना चाहिए। गांव के पुजारी ने भी एक छोटे से मंदिर की नींव रखने का आदान प्रदान किया, जिसमें उन्होंने उस सड़क की उपासना का कार्यक्रम शुरू किया। गाँव के बच्चे अब भी उस सड़क की बातें सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे, लेकिन वे उस उपासना का हिस्सा नहीं बन सकते थे क्योंकि उनके माता पिता ने इसे एक बड़े खतरनाक स्थान के रूप में देखा था। इस प्रकार विक्रम की डरावनी यात्रा ने गांव के लोगों को एक करके एक नया समुदाय बना दिया था। वे अब सभी एक दूसरे के साथ अधिक मिलजुल कर रहने लगे थे और भूतों की बातें सीरियसली नहीं लेते थे। उनकी जिंदगी में एक नया रंग आ गया था और वह भूतिया सड़क का राज अब भी गाँव वालों की बातों में होता रहता है।